आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फाउंडेशंस ऑफ रीडिंग है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑफ रीडिंग। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सलमान खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8634 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, तो ये है दिस यूनिट प्रेजेंट्स एन ओवरव्यू ऑफ रीडिंग थ्योरीज। इसमें हम थ्योरीज को पढ़ेंगे, उस पर यू विल बी रीडिंग अबाउट डिफरेंट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज विच आर एम्प्लॉयड इन टीचिंग रीडिंग स्किल्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचिंग रीडिंग स्किल्स के लिए जो है पढ़ाई जाती है थ्योरीज, उसको हम देखेंगे। फिर दिस यूनिट विल ऑल्सो मेक यू लर्न अबाउट द प्रोपोनेंट्स एंड पाइनर्स ऑफ द रीडिंग थ्योरीज। फिर डिस्कशन रिलेटेड टू द प्रीवियस थ्योरीज ऑफ रीडिंग और अलॉन्ग विद देयर प्रोज एंड कॉन्स विल बी कंडक्ट व्हेन द रीडर्स वर पैसिव रेसिपिटेंट्स टू टॉप डाउन मॉडल। फिर है जी वट विच इज अपोजिट टू द ट्रेडिशनल थ्योरी अलॉन्ग विद डिवेलपमेंट ऑफ मेटा कोग्नेटिव थ्योरी विल ऑल्सो डिस्कस हम इसमें करेंगे। आगे स्टूडेंट्स अब देखते हैं लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर के क्या, वो है डिस्क्राइब लर्निंग थ्योरीज ऑफ रीडिंग, वो हम देखेंगे। फिर एक्सप्लेन डिफरेंट सोशो कल्चर रीडिंग परस्पेक्टिव, सोशल कल्चर परस्पेक्टिव के हिसाब से देखेंगे। फिर इंटरप्रिटेड रीडिंग अप्रोचेज एंड अप्लाई मेजर अप्रोचेज टू टीचिंग ऑफ रीडिंग। फिर हम देखेंगे एग्जामिन द एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल रीडिंग अप्रोचेज इन पाकिस्तानी पब्लिक स्कूल्स कॉन्टेक्स्ट। आगे हम देखेंगे जी अप्लाई कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग हम ये देखेंगे। आगे स्टूडेंट बकायदा आगाज करते हैं इस चैप्टर का, ये है जी इंट्रोडक्शन टू रीडिंग स्किल्स। ये क्या जी, रीडिंग इज वन ऑफ द लैंग्वेज स्किल विच इज स्टडीड ब्रॉडली एंड डीपली इन रिसर्चर। यानी रीडिंग एक वो ऐसा स्किल है जो ब्रॉडली और बहुत ज़्यादा और गहरे तरीके से रिसर्चर इस्तेमाल करते हैं इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। यानी कि इस फील्ड के लैंग्वेज टीचिंग के अंदर नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैव बीन कंडक्ट इन द रिसर्चर्स हैव बीन कंडक्टेड इन द फील्ड वन नेचर ऑफ रीडिंग फोकस्ड ऑन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ पीपल देमसेल्व्स कंट्रीब्यूटिंग अ नंबर ऑफ थ्योरीज रिलेटेड टू रीडिंग। यानी कि रिलेटेड रीडिंग से। फिर द एम ऑफ द करंट यूनिट इज टू डिस्क्राइब सम प्रिंसिपल थ्योरीज। एम इस थ्योरी का, इस यूनिट का क्या, आपको करंट प्रिंसिपल थ्योरीज के बारे में बताएं ऑफ रीडिंग एंड स्टडी सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड रोल्स एंड रूल्स प्रोवाइडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। रूल्स कौन सी हो जिसे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, क्या ऑफ रीडिंग थ्योरीज विच कैन हेल्प टू डिवेलप आवर एबिलिटीज इन लर्निंग, एबिलिटीज लर्निंग की बढ़ाने का। स्टूडेंट बाकायदा अब हम आपके सामने आगाज़ करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, वो आपके सामने पहली चीज़ आ रही है, वो है डिफरेंट थ्योरीज ऑफ रीडिंग। ये डिफरेंट थ्योरीज ऑफ रीडिंग ये क्या है, ए पे क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच, ये क्या है बॉटम अप व्यू, ये बॉटम अप व्यू है जो पहला ट्रेडिशनल थ्योरी है। बी क्या है द कॉग्निटिव व्यू, टॉप डाउन प्रोसेस यानी ऊपर से नीचे तक का प्रोसेस है। और C3 क्या है शीमा थ्योरी, और ये क्या है जी एक्टिवेटिंग एंड बिल्डिंग शीमा, ये जी है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे पास सोशो कल्चरल रीडिंग परस्पेक्टिव। अब ये क्या है, अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट प्रोसेस इज इन इज लैंग्वेज एक्वेशन दैट हैपन्स नेचुरली। यानी कि जो ह्यूमन की डिवेलपमेंट है इसके प्रोसेस में लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंस इस्तेमाल है जो नेचुरली उसमें आता है। डिसिमिलर टू द लर्निंग प्रोसेस विच टेक्स प्लेस कॉन्शियस एंड इनफॉर्मल सेटिंग, यानी कॉन्शियस और फॉर्मल सेटिंग में हमारे मौजूद है लर्निंग करना। फिर है जी लैंग्वेज डज नॉट लिव इन लैंग्वेज ऑफ आइसोलेशन से नहीं आती, फिर बट इट रादर लिव्स क्लोजली रिलेटेड टू कल्चर एंड सोसाइटी। यानी कल्चर और सोसाइटी से ही इसमें गहरा जो है वो संगम है। फिर है जी ए पे है पेरेंट चिल्ड्रन एक्टिविटीज स्पोर्ट रीडिंग एक्विजिशन। पेरेंट टीचर की, पेरेंट और चिल्ड्रन की जो एक्टिविटी है स्पोर्ट करते हैं रीडिंग एक्विजिशन को। फिर है जी बी पे
वेगोटिसिकस सोशो कल्चर थ्योरी SCT ऑफ लर्निंग टू रीड, यानी कि लर्निंग टू रीड इसके अंदर है। आगे स्टूडेंट हम चल रहे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी अप्रोचेस टू टीचिंग रीडिंग। ये क्या है जी, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क अ चाइल्ड एज बिलो 10 विल डू इज टू लर्न द स्किल्स ऑफ रीडिंग, यानी कि स्किल्स लर्न हम करेंगे यानी द रीजन इट इज कंसिडर टू सम इट इज डिवेलप इन आर द सब्जेक्ट्स इन स्कूल एंड इनहेंस वन वोकैबुलरी डिवेलप डीपली डिपेंड अपॉन देयर रीडिंग स्किल्स। यानी जब हम क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डीपली जो उसकी डिवेलपमेंट है वो उसकी रीडिंग से होती है। पहले हमारे पास करें प्री लिटरली स्किल्स, ये क्या आपके सामने एक चीज़ आ रही है, मेथड वन ये है फोनोइस मेथड। ये क्या है जी, इन दिस मेथड स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर टॉट अल्फाबेट्स बट फर्स्ट दे लर्न द नेम ऑफ द लेटर एंड साउंड द प्रोड्यूस। आफ्टर लर्निंग द लेटर साउंड दे विल स्टार्ट टू जॉइन टू लेटर्स टूगेदर टू मेक सिंपल वर्ड्स देन दे थर्ड लेटर एंड सो ऑन। यानी कि पहले क्या होता है, बच्चा जो है वो अल्फाज सीखता है के हर्फ के हर्फ क्या है, फिर उसके बाद वो हर्फों को मिलाता है तो वो उनके बाद साउंड दो हर्फों को मिला के साउंड सीखता है, और उसके बाद जो है वो तीन हर्फों को मिला के साउंड सीखता है। ये सेकेंड मेथड के नीचे आप देख रहे हैं उसकी डाइग, जैसे आप फर्स्ट में देख रहे हैं ए टी को मिला आई टी को मिला वो इनको मिला है, इसकी एग्जाम्पल डाइग्राम्स में दी हुई है। यहाँ पे आप मेथड नंबर टू को देख रहे हैं स्टूडेंट्स द लॉक द लुक एंड से मेथड। ये क्या है, ए के नीचे ए पी एप है, ए एप्टोलॉप है, इससे लफ्ज़ जुड़ते सी से, जैसे फिर सी से कैट लिखा हुआ है, डियर लिखा है डी से, तो ये लफ्ज़ जो है इसका एक मीनिंग जो जिससे बने वो पूरे का पूरे, जैसे जेड से जेबरा लिखा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये सेकेंड मेथड में होती है। आगे हम चलते हैं जी स्टूडेंट्स, ये जी कंबाइनिंग अप्रोचेज टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग, फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग। ये क्या है जी, एजुकेशन वॉज मेड कंपल्सरी इन इंग्लैंड इन द एंड ऑफ 19th century when reading was taught through the only method alphabets and sound correspondingly an analytic phenomena such as the cat sat on the method। यानी कि 19वीं सदी के आखिर में ही जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंग्लैंड में पढ़ना जो है सबके लिए कंपल्सरी कर दिया गया था, और उन्होंने उनकी आवाम ने उसी वक्त से जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सीखना जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुन लिया था, बेसिक लेवल से एंड एंड जैसे है एनालिस्ट करना। फिर इट वॉज अ कॉमन नॉलेज इन द डे दैट स्टूडेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू रीड। ये बहुत कॉमन सी बात है कि बच्चों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, अजाब सहायक होता है, अजाब खानी होने लगती है। इट वॉज बिकॉज दे हैव नेवर बीन टॉट बिफोर, चूँकि उससे पहले पढ़ना उन्हें सिखाया ही नहीं जाता, तो इस वजह से उनके लिए ये एक बैरियर होता है। फिर फाइनली डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ लर्निंग अंडरस्टैंड न्यू वोकैबुलरी बिकॉज पर्सपेक्टिव्स, यानी ये न्यू वोकैबुलरी पर्सपेक्टिव सेट है। देयर आर अदर डेवलपमेंट सजेस्टेड दैट डेलीकेटिंग रीडिंग स्टैंडर्ड्स मे हैव मल्टीप्लाई मल्टीपल कॉजेज रादर मिक्सड मैथड बाय द ओनली रीजन, यानी कि मल्टीपल मैथड्स होते हैं, मिक्सड मैथड्स से जो है कॉजेज जो है अदर मिक्स कंडीशन से जो है वो ये होती है डेवलपमेंट। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं ये जी एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल रीडिंग अप्रोचेस टू वेरिंग पाकिस्तान पब्लिक स्कूल कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या है जी, पाकिस्तान के हिसाब से हम देख रहे हैं वो है क्या, अ प्रिपेयर टू बिकम अ पार्टी ऑफ द राइटर्स ऑडियंस, राइटर ऑडियंस के बी पे क्या एलोकेट एनफ टाइम टू रीड एंड टेक अप टाइम। फिर है जी प्रिपेयर टू रीड विद एन ओपन माइंड, खुले दिमाग से प्रिपेयर करें रीडिंग को जब आप करा रहे हो क्लास में बच्चों से। फिर है डी में इंगेज विद द टेक्स्ट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। फिर है जब क्लास में स्टूडेंट्स आप टीचर एज अ टीचर आप पढ़ा रहे हो तो आप इंगेज करें स्टूडेंट्स को कि आप बहुत ज़्यादा इंगेज हो जब आप रीडिंग क्लास में बच्चों से करवा रहे हो, सब उसमें तवज्जो रखें हंसे ना। फिर है कंसिडर द टाइटल, फिर है रीड स्लोली आहिस्ता से पढ़ें ताकि बच्चों को सब बात क्लियरली समझ आए, ज़्यादा भागने की आगे ज़रूरत नहीं है, फोकस करें ताकि बच्चों का जो है वो कंसेप्ट भी बने और आगे उन्हें समझ भी और आगे वो आपके साथ चल सकें। फिर है जी रीडिंग, रिमेंबर दैट री रीडिंग
is an element of effective critical रीडिंग, यानी कि जो री रीडिंग यानी बार बार पढ़ने से इफेक्टिव और क्रिटिकल जो है बच्चों को बात समझ। फिर है जी यूज़ डिक्शनरी एंड अदर अप्रोप्रिएट रेफरेंस वर्ड, यानी अपने साथ बच्चों को डिक्शनरी रखें और रेफरेंस, कोई बात लफ समझ नहीं आता उसमें से समझें ताकि बच्चों को उसी वक्त बात मीनिंग समझ आ जाए, क्योंकि एज अ टीचर आपको हर वक्त हर लफ्ज का मीनिंग नहीं पता होता क्लास में। फिर है जी अटेम्प्ट टू कॉम्प्रीहेंड हाउ ईच राइटर बैकग्राउंड एंड पर्पज इम्पैक्ट ऑन वट दे राइट। फिर वो फिर है जी इट इन क्रिटिकल रीडिंग द रीडर हैज़ टू आस्क क्वेश्चन अबाउट एक्सपर्टीज एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटर, इसमें हम एक्सपर्टीज और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर को भी देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये कंक्लूजन इस चैप्टर का और वो है दिस यूनिट हैज़ कवर्ड अ कॉम्प्रीहेंसिव डिस्कशन ऑन थीरीज ऑफ रीडिंग सोशो कल्चर, यानी ये जो चैप्टर हमने पढ़ा इसमें हमने सोशल और कल्चर को अच्छी तरह डिस्कस किया। फिर रीडिंग परस्पेक्टिव के हिसाब से देखे हुआ एंड टीचिंग मेथड फॉर रीडिंग, टीचिंग मेथड भी हमने देखा है। देयर इज़ नो वन बेस्ट अप्रोच, कोई भी इसमें जो है सबसे बेहतरीन अप्रोच हमें नहीं लगी टीचिंग रीडिंग, बट अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज कैन हेल्प टू अचीव द इंस्ट्रक्शनल गोल, यानी कि लेकिन हमें स्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज मिले इंस्ट्रक्शन गोल्स को हासिल करने के लिए फॉर रीडिंग, यानी रीडिंग के लिए। इट शेड लाइट ऑन द रोल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड चाइल्ड, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान एक रिलेशनशिप बनना चाहिए एंड टीचर टीचर उस्ताद के दौर के बाद एंड चाइल्ड फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड रीडिंग स्किल, रीडिंग और लैंग्वेज स्किल्स। फिर क्रिटिकल अप्रोच टू रीडिंग कैन हेल्प इन मेकिंग रीडिंग स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड मोर इफेक्टिव, रीडिंग स्किल ऑफ चाइल्ड इससे मोर इफेक्टिव बनता है। तो स्टूडेंट्स वी हमारे ये हमारा चैप्टर नंबर 3 इख्तिताम पजीरो, हमारी बीएड का कोर्स कोड 8634 था। तो गुड लक योर फाइनल एग्जाम, मेरे चैनल मोहम्मद सलाह करो, सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को आगे से आगे बच्चों में शेयर करें स्टूडेंट्स में, ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको कामयाब करें। आमीन सुमामीन यरबुल आलमीन।